वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग ऑफ पहाड़ी इन लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि मैं आज जो है आपको ये दिखा रही हूँ यूके में जो मेन्स और वुमेन्स के हेयर कट होते हैं तो उसके क्या प्राइसेस होते हैं और किस किस तरीके के यू नो कट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस रेंजेस होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में कवर करूंगी, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो फॉर हेयर कट। और दोस्तों आपको मैं यूके के मौसम का अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारी बर्फ़ जमी हुई है पूरी और इस तरफ जो है सनलाइट है तो बहुत ही ठंडा हो रखा है। अभी इस टाइम पे 1 डिग्री जो है हमारा टेम्परेचर चल रहा है तो, और धूप भी है, मॉर्निंग का टाइम है और साथ में फ्रॉस्ट भी हो रखी है कई जगह। और मेरे साथ आए हुए अंकित जी जो कि हेयर कट करवाएंगे और देखते हैं कि इनके हेयर कट का क्या प्राइसेस होते हैं। आर यू एक्साइटेड? या गुड, न्यू हेयर कट। यस, यू विल गेट अ न्यू हेयर कट। तो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए टाउन और टाउन के कुछ इस तरीके के नज़ारे हो रखे थे। बहुत अच्छी प्यारी सी सनलाइट आई थी और लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर टाउन में घूमने आए थे, शॉपिंग करने आए थे। तो हम भी बढ़ गए सैलून की तरफ और यहाँ आप देखेंगे बाहर ना रेड और ब्लू कलर के लैंप लगे हुए हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है टर्किश सैलून है। तो यस, हमने डिसाइड किया कि यहाँ जा करके हम अंकित जी के हेयर कट कराएंगे। तो यस, लेट्स गो टू द शॉप। अंदर कुछ इस तरीके के नज़ारे थे, कुछ मुझे एज सच स्पेशल नहीं लगा। जैसे इंडिया में सैलॉन्स होते हैं उसी तरह का सैलॉन था ये, बेसिक सैलॉन। और अंकित जी ने डिसाइड किया था कि बिल्कुल एकदम छोटे छोटे हेयर रख लिए जाएं। तो यस, प्रोसेस स्टार्ट हो गया हेयर कट का एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, हम लोग 15 मिनट्स में हेयर कट करके बाहर आ गए थे। तो फाइनली हो चुका है हेयर कट अंकित जी का। कैन यू शो मी हाउ इज इट? इस साइड लाइट नहीं आ रही, थोड़ा इस साइड आ जाओ, इस तरफ देखो। या तो आपके लगे 14 पाउंड्स यार, तो 14 पाउंड लगे इनके ये हेयर कट के और थोड़ी सी यहाँ से बियर्ड में ट्रिम किया है हल्का सा। तो यस, वी आर फुली सेटिस्फाइड। 1400 मीन्स इन इंडियन रुपीज 1400 रुपीज का हेयर कट हुआ है ये, बट अच्छा है, डिसेंट हेयर कट है। इस हेयर कट को क्या बोलते हैं आपको पता है? Faded हेयर कट। ओके, तो चलिए फिर अब चलते हैं वुमेन हेयर कट के लिए एंड लेट्स लुक फॉर सम वुमेन हेयर ड्रेसिंग सैलॉन्स। यूके में लोग जो है इस तरह की आर्ट करते हैं वॉल्स पे, यूके में क्या इंडिया में भी लोग करते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, तो ये कुछ आर्ट कर रखी है। चलते चलते मुझे एक सैलॉन दिखाई दिया तो यहाँ पर नेल्स के जो है ये प्राइसेस लगे हुए थे। तो आप देख के कंपेयर करके बताइए कि इंडिया में क्या प्राइसेस हैं अगर आप नेल्स एक्सटेंशन या जेल वगैरह। और साथ ही में ये प्राइस लिस्टिंग है हेयर्स की और जो ब्यूटी रिजीम्स जो आप कराते हैं उसकी, इसको भी देख करके कंपेयर करके बताइएगा कि इंडिया में अब अगर आप ठीक ठाक अगर सैलॉन में जा रहे हैं तो क्या प्राइसेस आपको देखने को मिलते हैं। सो यूके के सैलॉन्स के ये बेसिक रेट्स हैं जो कि डिस्प्ले में हैं और बाकी अगर आप और ब्रांडेड सैलॉन्स में जाएंगे तो प्राइस वैसे ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू यू नो दीज प्राइसेस वंस यू आर देयर इन द कंट्री। एंड वैसे भी अभी यूके में रिसेशन है तो काफ़ी इन सब चीज़ों के यू नो जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उनके प्राइसेस काफ़ी हाइक पे हैं। बट येस, आई फाउंड दिस सैलॉन इज रियली नाइस एंड मे बी आई विल कम फॉर हेयर कट नेक्स्ट टाइम हियर,
बट राइट नाउ बिकॉज मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था तो मुझे मना कर दिया गया क्योंकि ये वीकेंड था और सारे ही सैलॉन्स जो हैं फुली पैक्ड थे। तो मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि मैंने हेयर कट अभी तक नहीं कराया है एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि आज सैटरडे है और हर जगह यू नो फुली पैक्ड है अपॉइंटमेंट से, क्योंकि यूके में आपको जनरली अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं जब भी आप हेयर ड्रेसिंग के लिए जा रहे हैं मोस्टली सारे अच्छे सैलॉन्स में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से अब वेबसाइट पे जाकर के अपॉइंटमेंट लेती हूँ नेक्स्ट डे का और फिर मैं कराऊंगी हेयर कट। तो बस अभी मैं यहाँ बैठ कर के धूप खा रही हूँ और इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, सुबह 1 डिग्री था टेम्परेचर और अब जो है थोड़ा थोड़ा मेलो डाउन हो रहा है और धूप इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर वैसे भी यूके में सनलाइट देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा अभी धूप है तो फटाफट बैठ करके थोड़ा विटामिन डी ले लिया जाए। और यहाँ मेरे पीछे अंकित जी हैं जो कि धूप के मज़े ले रहे हैं और ये पीछे हमारी जो है कैनेट रिवर बह रही है रेडिंग की, बहुत ही प्यारी है। तो यस, आपने मेंस हेयर कट का तो देख ही लिया सीन और वेमेंस हेयर कट का भी मैं कवर करूँगी सून जल्दी ही। भाई हमारी जो कैनेट रिवर है एकदम उफान पे है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है मुझे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नज़ारा।